नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिस गुरु चैनल में। दोस्तों, आज हम एक्सेल में देखेंगे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा डेटा है। दोस्तों ये टेम्पलेट आप रियल इस्टेट इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा फीड किया है, उसके ऊपर से बनाया हुआ ये एस कर्व चार्ट। दोस्तों ये एस कर्व चार्ट ये यूज करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इस एस कर्व चार्ट से भी एनालिसिस बहुत सारा होता है। दोस्तों जैसे कि देखिए, ये रियल इस्टेट बिल्डरों और डेवलपर्स के लिए उनके चल रहे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के विभिन्न चरणों को ट्रैक करने के लिए ये एस कर्व चार्ट बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों जहां यह निर्धारित समय के भीतर आवंटित बजट के साथ चल रही परियोजना को पूरा करने में मदद करता है। जैसे वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, इसमें ये प्रोजेक्ट जो है इसके कौन से टास्क क्या कितना वक्त ले रहे हैं और कितना परसेंट इसके ऊपर अमाउंट अपना खर्च हो रहा है, ये आपको ट्रैक करने के लिए बहुत इजी है। दोस्तों यह आईटी और फार्मा कंपनी में प्रोजेक्ट टाइमलाइन और उनकी लागत को ट्रैक करने के लिए भी उपयोगी है। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसका बहुत काम होता है। दोस्तों एस कर्व चार्ट आपको शो करेगा कि काम की गति शुरुआत में धीमी है, वो पिकअप स्लोली करता है, इन मिडल फेज आप देख सकते हैं रैपिड पिकअप हुआ है। दोस्तों मतलब ये थोड़ा सा आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही उपयुक्त, एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छा है कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते कि अपना कौन सा टास्क कितना टाइम ले रहा है और हमारे पैसे कितने उसके ऊपर जा रहे। दोस्तों ये डेटा जो है आप इसे वीक वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों इस चार्ट में, दोस्तों ये चार्ट भी बहुत सिंपल है। दोस्तों सिर्फ आपको आपको ये डेटा चाहिए, ये डेटा पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से अरेंज हुआ चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने टास्क के नाम कुछ लिखे हैं। ये जो टास्क है दोस्तों, आप इससे ज़्यादा भी टास्क के नाम ऐड कर सकते हैं। ये मैंने थोड़े से ऐसे ही एक जितने मालूम है उतने मैंने डाले। दोस्तों जैसे कि बिल्डिंग फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन आउटसाइड, कंस्ट्रक्शन इनसाइड, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, आर्किटेक्चरल वर्क, इनके लिए कितने पैसे कार्यान्वित हुए दोस्तों, ये मैंने कुछ अंदाज से पैसे डाले दोस्तों। और ये एलोकेशन बनाया कि कितने टोटल में से कितने परसेंट अमाउंट इस टास्क के लिए जा रही है और ये टास्क कब शुरू हुआ है और कब खत्म हो रहा है। दोस्तों ये भी इसका ड्यूरेशन भी यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे दोस्तों थोड़े से छोटे मोटे फॉर्मूले यूज़ किए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले यूज़ करके 10% 10% ये कैसे है, मैं आपको एक सिंपली तरीके से आपको ये पूरा चार्ट और ये पूरा डेटा आपके सामने बनाने वाला। दोस्तों यहाँ पे वीकली प्रोग्रेस भी दिखाया हुआ है दोस्तों और कम्युलेटिव प्रोग्रेस भी दिखाया हुआ है। और ये जो चार्ट है दोस्तों, हमें सिर्फ वीक वाइज चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, ये वीक वाइज कम्युलेटिव टास्क या कम्युलेटिव प्रोग्रेस कितना हुआ ये शो करने के लिए हमने एस कर्व चार्ट बनाया। दोस्तों यहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वीक वन और वीक टू में टास्क के प्रोजेक्ट के जो भी टास्क है वो किस तरीके से कम्प्लीट हो रहे हैं। स्टार्ट में थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों, उसके बाद मिडल में थोड़ा पिकअप ले रहा है और इस तरीके से कम्प्लीट हो रहे टास्क। ठीक है दोस्तों, चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। दोस्तों और एक बात दोस्तों, अगर अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं एस कर्व चार्ट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम बनाएंगे एक्सेल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो टास्क रहते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो टास्क रहते हैं उस टास्क का
हम टैम्पलेट बनाएंगे। चलिए दोस्तों मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखिए दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट के टास्क के नाम लिखे, बिल्डिंग फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन आउटसाइड, कंस्ट्रक्शन इनसाइड, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, आर्किटेक्चरल वर्क, टोटल, वीकली प्रोग्रेस और कम्युलेटिव प्रोग्रेस। यहाँ पे कुछ अंदाज से एक अमाउंट डालते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हमको हमें ये जानना है कि ये टोटल प्राइस में से बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए कितनी अमाउंट, कितनी परसेंट अमाउंट का ये, तो दोस्तों इज इक्वल टू साइन कर दीजिए, ये है टोटल, इसे मैं करता हूँ फिक्स, डिवाइडेड बाय, एक बार देखिए दोस्तों, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस, इसको फिक्स कीजिए और एंटर कीजिए। देखिए सर दोस्तों 40% बराबर है, इसे नीचे कंट्रोल डी भी कर सकते हैं और उसको माउस से सिंपली आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमारा टास्क वीक वन में स्टार्ट हुआ है तो एंड होगा वीक फाइव में, सर वीक टू में अगर तीन में अगर हमने स्टार्ट किया दूसरा टास्क तो ये खत्म होगा वीक सिक्स में, 1, 2, 3, 4, और अगर ये वीक फोर में अगर स्टार्ट हुआ तो ये वीक सेवन में खत्म होगा, वीक फाइव में अगर स्टार्ट हुआ वीक एट में खत्म होगा और वीक सिक्स में तो ये वीक एट में ही खत्म होगा। तो ऐसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि टास्क के लिए कितना टाइम चाहिए, ड्यूरेशन एक फर्स्ट वीक में अगर चालू किया है दोस्तों ये पांच, मतलब ये पांच दिन, यहाँ पे चाहिए अपने को दो, यहाँ पे तीन और ये पांच, कितने दिन हुए दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेशन 4, 4, ये हो गए दोस्तों ड्यूरेशंस। चलिए हम वीक फर्स्ट वीक का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों ये वैल्यू देखिए दोस्तों क्या किया हमने, एलोकेशन जो परसेंटेज की अमाउंट है उसको डिवाइड किया ड्यूरेशन में ताकि हमें मालूम हो जाए कि हर वीक में कितने परसेंट जा रहे हैं। तो इसे हम सिंपली ड्रैग करेंगे इस तरफ। देखिए ड्रैग करने से पहले दोस्तों आपको जो ये है सी कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा ताकि हम इस कॉलम को इस तरफ खींच रहे दोस्तों। ये कहाँ तक जाएगा, पाँच तक। चलिए दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ है, आपको ये F कॉलम को भी फिक्स करना पड़ता है ताकि ड्रैग करने से दोस्तों क्या होता है सेल चेंज होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, इसलिए वो सेल का कॉलम या रो उसे फिक्स करना पड़ता है दोस्तों। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट करना। एब्सोल्यूट कैसे करते हैं, डॉलर साइन कॉलम के आगे क्यों देने का, डॉलर साइन रो के सामने क्यों देने का, इसके लिए मैं अलग सा सेशन आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों, वो तो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम जाएंगे यहाँ पे। अभी अभी आपको सिर्फ कंट्रोल डी करना है दोस्तों, क्योंकि ऊपर जो मैंने डॉलर साइन से फिक्स किए हुए सेल, अब जैसे नीचे खींचेंगे दोस्तों तो वो ऑटोमेटिक अप्लाई होते रहेंगे। देखिए दोस्तों फोर्थ वीक, देखिए कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो रहा है, उसके बाद एट वीक तक जाएगा ये,
फिर इसके बाद फिफ्थ वीक यहाँ पे है, कंट्रोल डी कर दीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे वीकली प्रोग्रेस। तो आपको सिंपली क्या करना है, सम करना है दोस्तों किसका, दी के फर्स्ट वीक में इसे सम करना है और इसको आपको कंट्रोल आर करके आप राइट साइड को खींच सकते हैं दोस्तों, वही फॉर्मूला राइट साइड को आप ट्रैक कर सकते हैं। कम्युलेटिव के लिए क्या करना है दोस्तों, ये वैल्यू प्लस आपको ये वाली वैल्यू को ऐड करना है ताकि ये दोनों की टोटल हो जाए। इसे आप सिंपली माउस से ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया। अब इसके ऊपर से कर्व चार्ट कैसे बनाएंगे, हम सिलेक्ट करेंगे ये वीक्स, उसके बाद ये कम्युलेटिव परसेंटेज, हम इंसर्ट में जाएंगे और सिंपली ये वाला चार्ट लेंगे दोस्तों। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट आपको शो करेगा कि आपके काम की गति क्या थी। पहले स्टार्ट में तेजी से काम हो रहा है दोस्तों, बीच में फोर्थ और फिफ्थ वीक में बहुत तेजी से काम, उसके बाद जो काम बहुत स्लो गति से बहुत धीरे गति से हुआ है, ये आपको आपको ये इस चार्ट से मालूम हो जाएगा दोस्तों। इसे बोलते हैं एस कर्व चार्ट। तो आपको आपका टास्क वीकली बेसिस पे किस तरीके से मूव हो रहा है, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोसेस क्या चल रही है, ये आपको यहाँ पे इजीली समझ में आएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। लाइक और कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।